इसका एक नहीं चार नाम है। 5 से ज्यादा बार चेहरे की सर्जरी करा चेहरा बदल चुका है और पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती थी। वो चोरी की दुनिया का बेताज बादशाह है। अब तक 5000 से ज्यादा कारें चुरा चुका है और उस पर 83 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह महीने में 20 दिन चोरी करता था और 10 दिन आराम कर चोरी की कारें बेचकर मस्ती करता था। दिल्ली, हरियाणा व यूपी में वाहन चोरी कर आतंक मचाने वाला सुपर चोर कुणाल उर्फ तनुज उर्फ तरुण और विजय पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दक्षिण पूर्व जिले के वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने उसे 2 रिसीवर के साथ दक्षिण दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी 25 वर्षों से वाहन चोरी कर रहा था और 5000 से ज्यादा कारें चुरा चुका है। आरोपी कुणाल पुलिस से बचने के लिए अपने चेहरे की 5 से ज्यादा बार सर्जरी करवा चुका है। ये डिमांड पर वाहन चुराता था। वह महीने में 20 दिन वाहन चोरी की वारदात करता था और 10 दिन आराम करता था। ये एक ही रात में 2 से 3 कारें चुराता था। कुणाल के खिलाफ अब तक वाहन चोरी, हत्या आदि के मामलों में 83 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए ATS प्रभारी राजेंद्र डागर की देख रेख में SI नागेंद्र कुमार व SI विनोद कुमार की विशेष टीम गठित की गई। इस टीम को सूचना मिली थी कि वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपी संगम बिहार से MB रोड होकर बदरपुर की तरफ जा रहे हैं। पुल प्रहलादपुर MB रोड पर घेराबंदी की और कार को रुकवा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अमर कॉलोनी निवासी सुपर चोर कुणाल 42 वर्ष व श्रीनगर जम्मू कश्मीर निवासी रिसीवर सुहेल और जाना 42 वर्ष के रूप में हुई है। जिस गाड़ी में आरोपी घूम रहे थे वह तिलक नगर इलाके की से चुराई गई थी। इनके कब्जे से चोरी की 11 कारें, 7 फर्जी नंबर प्लेट, 1 इलेक्ट्रॉनिक पैड, 1 डॉगल वाहन चुराने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ के बाद इनके तीसरे साथी जम्मू कश्मीर निवासी आदिल इरशाद भट्ट को दिल्ली दक्षिण से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वैसे तो वह पूरे भारत में वाहन चोरी करता है मगर दिल्ली, हरियाणा व यूपी से सबसे ज्यादा वाहन चुराता था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपने चेहरे की कई बार सर्जरी करवा चुका है। वह चोरी की कारों को सोहेल बा आदिल इरशाद को देता था। ये डिमांड पर वाहन चुराता था। ये इंश्योरेंस कंपनी या स्क्रैप डीलर से टोटल कंडम कार बा उसके कागजात खरीद लेते थे और फिर चोरी के वाहन में उस कार के नंबर प्लेट व चेसिस नंबर बदल कर उसे बेच देते थे। आरोपियों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी चोरी के वाहनों को जम्मू कश्मीर व उड़ीसा भेजते थे। ये मिडिल मैन के जरिए चोरी के वाहनों को दिल्ली से बाहर भिजवाते थे। ये इन जगहों पर चोरी की कारों को खुले बाजार में बेच देते थे और मोटा मुनाफा कमा लेते थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने ज्यादातर चोरी की कारें इन्हीं 2 राज्यों में बेची हैं। कुणाल एक महीने में 20 दिन कारें चुराता था और 10 दिन वह आराम व मौज मस्ती करता था। वर्ष 2013 में पानीपत हरियाणा पुलिस की कस्टडी से लघुशंका करने के बहाने वह फरार हो गया था। 2013 में जब अमर कॉलोनी पुलिस ने इसे घेर लिया था तो आरोपी पुलिस की टीम पर गोली चलाकर फरार हो गया था। आरोपी ने CR पार्क थाने में पुलिस कस्टडी के दौरान खुदकुशी करने का नाटक भी किया था। आरोपी हथियार लेकर वाहन चोरी करने जाता था, विरोध होने पर ये गोली चलाने में देर नहीं करता था। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हर क्षेत्र की खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी खबर की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।